अस्सलाम वालेकुम, सिद्रा रिजवान हेयर। आज मैं आपको एक और बहुत इजी सी रेसिपी सिखा रही हूँ। कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जो जितनी सिंपल हो उतनी ही अच्छी लगती हैं, तो मैं आज आपको बता रही हूँ। बहुत ही सिंपल है आलू का भुर्ता। इसको आप पराठों में भर के जैसे बना सकती हैं, जैसे आलू के पराठे बनाते हैं, ठीक है, उसको आप एज इट इज़ भी खा सकती हैं पराठों के साथ, रोटी के साथ। ये देखिए, मैंने आलू लिए हैं, हाफ के जी है पोटैटो, इसको मैंने बॉयल करके मैश कर लिया है विद मैशर। अब इसके साथ ही आप देख सकते हैं, यू कैन सी, हम इसमें लेंगे सॉल्ट हाफ टी स्पून, और हाफ टी स्पून ही हम लेंगे इसमें पिसी लाल मिर्च, और 1 टेबल स्पून हम इसमें लेंगे ज़ीरा, और साथ ही हमारा कुकिंग ऑयल जो हम लेंगे 1/2 कप, और देन हमने 2 टोमेटोज़ लिए हैं, इनको चॉप कर लिया है, जैसे आप चाहें कटिंग कर लें, डजेंट मैटर। और इसके अलावा आप देखें, 1/2 गड्ढी हरा धनिया है, 4 अदर जो है मैंने हरी मिर्च ली है कटिंग कर ली, और 2 जो है मैंने ग्रीन चिली साबुत रखी है, उसके अलावा 4 से 6 अदर कड़ी पत्ता है, और 2 हैं इमली के चीये, ओके। और इसके अलावा मैंने 2 अदर अनियन ली हैं, दरमियाने साइज़ की ली हैं, इनको स्लाइस कर लेना है। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं कुकिंग। इसमें मैं डाल लेती हूँ 1/2 कप ऑयल। अब इसमें हम डाल देंगे ज़ीरा, थोड़ी देर ज़ीरा जो है अपना कलर चेंज करें, उसके बाद आपने इसमें डाल देनी है अनियन। अनियन जो है आपने कर लेनी है ब्राउन, गोल्डन ब्राउन, अच्छा सा शेड आ जाए। और उसके अलावा इसमें जो मैंने साबुत डालूंगी ग्रीन चिली, जो मैंने कटिंग नहीं की है, वो कटिंग वाली हम एंड में डालेंगे। हमने आधी अनियन जो है निकाल ली है, ठीक है, और बाकी में हम ये डाल देंगे पोटैटो। अब इसमें सॉल्ट ऐड कर दीजिए, और साथ ही इसमें पिसी लाल मिर्च, और इसमें अब मैं टमाटर ऐड कर दूँगी। उसके बाद इसको हम मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर हमने जो बचाई थी ग्रीन चिली कटिंग करके, वो इसमें ऐड कर लेंगे, और ये हमारे करी लीव्स हैं वो भी ऐड कर लीजिए इसके अंदर, और ये साथ में हमारी इमली वो भी डाल लीजिए। अब इसके अंदर हम कोरिएंडर लीव्स डाल रहे हैं, और जो हमने अनियन बचाई थी ये हम थोड़ी थोड़ी इसमें डाल देंगे। और आप चाहती हैं इसको डिश आउट करें, जब भी आप इसको डाल सकती हैं एंड में ये दोनों चीज़ें। और इसके अलावा आपने जो ये हरा धनिया डाला है, इसके साथ ही अब लास्ट में बिल्कुल जो है जो हरी प्याज होती है स्प्रिंग अनियन, वो आप ऊपर से डाल के इसको 2 मिनट के लिए सिर्फ आप इसको कवर करके हीट अप कर लें, ज़्यादा आपने कुक नहीं करना है, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सो गाइस, इफ यू लाइक इट माई वीडियो, सो प्लीज़ शेयर इट, लाइक एंड कॉमेंट्स। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।